हेलो एवरीवन, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड के 90% ऐसे यूजर्स हैं जो इस टॉपिक का उपयोग करते हैं और ऐसे 10% ऐसे यूजर्स हैं जो इसके बारे में पता नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टैग का। तो बेसिकली टैग क्या होता है, जब हमें कोई वीडियो देखने का इच्छा होता है तो हम सर्च बार में सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसको बोला जाता है टैग। यदि मैं कोई वीडियो बनाया हूँ किसी रिलेटेड में, मैं वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो पे टैग डाला हूँ, जैसे कि मान लिया जाए मैं कोई वीडियो बनाया हूँ कि YouTube पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, और आप सर्च कर रहे हो कि YouTube पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो वहाँ पर सजेशन में मेरा भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो ये है टैग। तो दोस्तों, टैग का बेसिकली काम क्या होता है, टैग का काम होता है वीडियो वायरल करने का, सब्सक्राइबर बढ़ाने का, व्यूज बढ़ाने का, ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो टैग कैसे लगाते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरे अंत तक बने रहिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए हो यार, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैग कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी फोन की स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको दिख रहा है YT स्टूडियो यानी YouTube क्रिएटर स्टूडियो। मैं आपको सजेशन करता हूँ दोस्तों कि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम आसानी से टैग लगा सकते हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसे। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिर स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आओगे आपको यहाँ पर आपका वीडियो शो होने लगेगा, हमें उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसपे हमें टैग लगाना है। तो यहाँ पर मेरा जो पहला वाला वीडियो है फायर सुपर हिट लाइव, इस पर मुझे टैग लगाना है, तो इसको मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। फिर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा है पेंसिल का आइकन, वहाँ पर आपको टच कर देना है यानी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, फिर आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद आपको लास्ट टाइम दिख रहा है एक टैग, तो यहाँ से हमें वो टैग डालनी है दोस्तों। तो चलिए इस पर टैग डालते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ। आप यहाँ पर तीन प्रकार के टैग डाल सकते हैं, एक तो इंग्लिश में डाल सकते हैं, हिंदी में, और एक मिस वर्ड में। ओके गाइस, तो मिस वर्ड क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अगर को सर्च कर रहा है वहाँ पर अगर उसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो वो हमारी मिस्ड वर्ड में आता है। तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप टैग लगाओगे तीन रिलेटेड लगाना, एक तो हिंदी में लगाना, इंग्लिश में लगाना और मिस वर्ड। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ अपना, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ फ्री फायर, ये हमारा पहला टैग हो गया, और दूसरा टैग होगा फ्री फायर लाइव, ये हमारा दूसरा टैग हो गया, तीसरा टैग होगा फ्री फायर वाचिंग वीडियो, ये हमारा हो गया तीसरा। तो दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से आपको टैग लगानी, आपको दिमाग लगाना है कि जो व्यक्ति आपको सर्च करेगा वो आपको वीडियो को किस प्रकार से सर्च करके ढूंढ सकता है। तो आपको यहाँ पर दिमाग लगानी है कि आपको किस टाइप का सर्च बार में डालना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको सोच के टैग लगाना है। यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए कुछ सिंपली टैग लगा दिया हूँ, तो ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से टैग लगानी है। तो दोस्तों, आप टैग के बारे में जान ही गए होंगे, तो टैग लगाना अगर आपको आ जाता है तो आपका वीडियो कभी भी वायरल हो सकता है और कभी भी आपका सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, व्यूज भी बढ़ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, टैग लगाना आपको आना चाहिए। आपको बताया मैं तीन कैटेगरी में आपको लगाना है, एक तो हिंदी में लगाना है, इंग्लिश में लगाना है, मिस वर्ड में लगाना है। ये तीन टैग लगा देते हो तो आपका वीडियो कभी भी वायरल हो सकता है दोस्तों, कोई चांस नहीं है, और इसमें बहुत ज्यादा ही सब्सक्राइबर व्यूज करने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को घंटी कॉल पे सेट कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।